बद्दी पुलिस ने डोडुबाल युवक की हत्याकांड के चार आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि बद्दी क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते कल ही इस युवक का शव मानपुरा थाना के तहत डोडुबाल के नजदीक बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू की और इस मामले में पुलिस ने अब चार आरोपियों इंद्रजीत, अमनदीप, लखविंदर और फ्लक्की दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में दो युवक बद्दी के भुट, एक युवक नालागढ़, एक युवक हरियाणा का बताया जा रहा है। वही मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी प्रियंका गुप्ता ने बताया कि बद्दी पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वैसे ही पुलिस मुस्तैद हो गई और सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये जो मानपुरा में कल जो हत्या का मामला एक दर्ज हुआ था 302 धारा के अंतर्गत, तो कल इसमें जब 26 की रात को एक व्यक्ति हरभजन सिंह जो गांव डोरिया का निवासी था वो रात को अपनी बाइक पर कहीं निकल गया था और 27 की सुबह तक वापस नहीं आया। जब वो सुबह वापस नहीं आया तो परिवारजनों ने थाना में जो है रिपोर्ट कराई और पुलिस की टीम जो है उसको व्यक्ति को खोज में निकल गई। साथ ही साथ परिवारजन जो है गांव वालों को लेके भी जो है इस व्यक्ति को ढूंढने निकल गए थे। तो जो व्यक्ति की लाश है वो डोडू वाला चौक जो है जो मानपुरा के क्षेत्र में पड़ता है वहां पर मिली, तो उन्होंने मानपुरा थाने को सूचित किया और मानपुरा थाने ने जो है खुद एसएचओ ने आकर साथ ही साथ जो एडिशनल एसपी बद्दी है उन्होंने भी स्पॉट का विजिट किया और जो साथ में आसपास जो जितने भी कैमरा लगे थे उसके थ्रू और जो गांव वालों को साथ में शामिल करके जो है इन्फॉर्मेशन निकाली कि कौन मर्डर कर सकता, तो उसी सूचना के आधार पर जो है तकरीबन चार व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो चार व्यक्ति हैं इनका नाम है इंद्रप्रीत जो है वो है नालागढ़ के निवासी हैं, जो दूसरे हैं अमनदीप सिंह वो पिंजौर के निवासी हैं, एक लखविंदर है वो भुड का निवासी है और एक दीपक कुमार है वो भी भुड का निवासी है। तो ये जो चार व्यक्ति हैं इनका मेडिकल करा के जो है इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे रिमांड लिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।